मित्रों, टेंपल वाली जर्नी तो यहाँ आकर के पूरी हो चुकी। उसके जितने भी पार्ट्स हमने बनाए थे वो आपको दिखा दिया। इसके आगे हम लोग जाएंगे, कहाँ जाने वाले हैं उसको थोड़ा सा जानते हैं पांडे जी से। अब हम जा रहे हैं स्टेनविल पर, पैराग्लाइडिंग स्पॉट है, और उसके आगे फिर जाएंगे स्टेनविल विलेज। तो चलते हैं आगे, यहाँ से यात्रा स्टार्ट करते हैं। हेलो, हाँ, अंशिका वांट्स टू से समथिंग। ओके, बोलो बेटा। जय हो भगवान जी की, प्रणाम कर लो बेटा। बहुत दिन बाद आए, कितने दिन बाद आए इस टेम्पल? ये पैंडमिक की वजह से, अदरवाइज तो यहाँ 2-3 महीने में कर सकते। लास्ट अक्टूबर में आए थे वे, नवरात्र। जो भी है, एक साल से ऊपर लगभग हो गया। प्रणाम कर लो। फिर तो सब जगह जाना आना वही हो गया, बंदी हो गया। और अब आज आए तो हैं, लेकिन वही है कि इस एक समस्या के साथ ये हो रहा है। This is showing here Stanwell Park on the left. ये गोरे लोग अच्छे यहाँ रहते हैं आसपास। ये पानी जी लेफ्ट में दिखाना, ये किसी का फार्म हाउस है, है ना? हाँ, फार्म हाउस ही है। ये एक छोटा सा विलेज है, किसी दिन यहाँ भी जा सकते हैं। तो अब ये पैराग्लाइडिंग का जो स्पॉट है, आने वाला है। ऑलमोस्ट वी रीच अब ये स्टॉप का मतलब होता है कि वी हैव टू गिव वे टू अदर्स। ये जो पार्किंग है, पता नहीं, ये देखो ऊपर पैराग्लाइडिंग, ये देखो ऊपर 3-4 आ रहे हैं, ये देखो, ये कितने सारे नीचे भी ऊपर भी, वाओ, बहुत सारे हैं आज तो। पैराग्लाइडिंग ये देखें, आपको दिखाते हैं पैराग्लाइडिंग इन सिडनी। बंद हो गया। लुक, कितनी पब्लिक है और कितने सारे लोग पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं। ये जगह बहुत खूबसूरत है क्योंकि एक तरफ पहाड़ है, ये देखें, ये पहाड़ है और ये विलेज है। अभी हमेशा हाथ पकड़ो, यहाँ फेंकने चली जाए, मैं बोल रहा हूँ। ये देखें, ये देखें ये उड़ने वाला है बंदा, और ये ऊपर उड़ रहे हैं, ये देखिए उड़ रहे हैं। ये उड़ने वाला है, ये देखिए, ये उड़ रहा है। अरे ये देखो, और ये है स्टेनविल पार्क विलेज, स्टेनविल विलेज। बहुत सारे आज इस तरफ हवा चल रही है, तो ये सब ग्लाइडिंग वाले बंदे जो है, पैराग्लाइडिंग वाले इस तरफ जा रहे हैं, और जनरली मेरे पीछे की तरफ जाया करते हैं। सब इधर जा रहे हैं उनके, क्योंकि हवा का जो रुख है वो इधर है। कुछ लोग ऊपर भी हैं, ये प्रिपेयर कर रहे हैं। और ये यहाँ से नीचे समुद्र है।
आज की बात कर रहा था वो ये है, यहाँ पे प्रभास की फैमिली की शूटिंग और ये देखते हैं बादल और पर्वत आकर के मिल जाते हैं यहाँ पर। ये मैं दिखाने वाला हूँ, अभी नीचे भी चलेंगे वैसे। ये है एक छोटा सा बीच, यहाँ पे गणपति का विसर्जन यहाँ पर होता है सामूहिक रूप से इसी बीच में। लास्ट ईयर आए थे इस साल, लास्ट ईयर ही आए नहीं, इस साल के गणपति जो हुए पिछले साल के, वो नहीं उसके पिछले वाले साल में कर रहे हैं। अगर आप में से कभी किसी को करना हो तो ऐसा नहीं है कि आपको आप ट्रेंड हैं तो ही कर सकते हैं। कुछ $250 मेरे एक मित्र हैं मंगल भाई एडिलेड से, तो वो आए थे, 2 साल हो गए होंगे उनको आके, तो उन्होंने यहाँ पे किया था। क्योंकि इसमें जो हैं कुछ लोग जिनको लाइसेंस मिला हुआ है वो दूसरों को भी करवाते हैं, सो यू हैव टू पे $250। यस 250 फॉर हाउ लॉन्ग? 20 मिनट 250। थैंक यू। यस आई एम गोना बी देयर ऑल द वे ऑल द वे। पे मी एक्स्ट्रा, सी पे मी एक्स्ट्रा। ही सेड 20 मिनट्स, $250 फॉर 20 मिनट। ये देखिए, ये अपना एक डेली लेके आते हैं आपको आइसक्रीम और वैसा कुछ खाना है। कैफेटेरिया वहाँ पे भी है, अगर आप बैठ बैठ करके लेना चाहते हैं। मेरे पीछे वो जो बिल्डिंग है वहाँ पे भी है। तो ये रहा आज का पैराग्लाइडिंग पॉइंट। तो ये सिडनी से अप्रॉक्सीमेटली 60 किलोमीटर, हमारे यहाँ से 55 to 60 किलोमीटर हमारे घर से। हम चूँकि पैरामाटा में रहते हैं, ये पैरामाटा जो है सेकंड सीबीडी है सिडनी की, और हमारे यहाँ से 55 तो 15-20 किलोमीटर और बढ़ा लीजिए अगर आप मेन सिटी में हैं। वहाँ से यहाँ आसपास ट्रेन वगैरह भी आती हैं, बसेस भी संडेज़ को तो डेफिनेटली आती हैं। आसपास कहीं हैं आप देखें, पता करें, मैं उसके ढूंढ के लिंक विंक वो सब मैं डालूंगा नहीं। आजकल गूगल में जितना आपको मैं लिंक दूंगा उतना आप भी ढूंढ के देख सकते हैं अगर आप कहीं बाहर से ट्रेवल करके आना चाहते हैं तो। काफ़ी फेमस प्लेस है ये, काफ़ी फेमस है। बस स्टैनविल पार्क ये याद रखें। और यहाँ पे थोड़ा ये देख के आएँ कि अगर डे विंडी है तो ठीक है, नहीं यहाँ बहुत देर तक लोग वेट करते रहते। और इंडियंस ज़्यादा हैं आपको इसलिए भी दिखाई देंगे बिकॉज हमारा टेंपल है यहाँ पे हिंदुओं का। तो ये देखिए, ये जो बंधुवर मेरे पीछे तैयार कर रहे थे अपना सेटअप, उनका तैयार हो चुका है, नाउ ही इज़ रेडी। लुक ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये जाने वाला। तो हम अंशिका, अच्छा लगा? ये पैराग्लाइडिंग मुझे अच्छा, ये वाला अच्छा लग रहा है ना अंशिका? यस ही इज गोइंग टू गो, ही इज ट्राइंग टू फ्लाई। सी, अभी इसने अपना एक रनवे जो है ढूंढ लिया बंदे ने। ये देखो वो जाने वाला, गया 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 फिर ठहर गया। वो उसको लेके जा रहा है, वो लेके जा रहा है, वो एक प्रोफेशनल बंदा उसको लेकर के जा रहा है। ये देखो ऊपर उड़ रहे हैं, ये बंदे उड़ रहे हैं, ये देखिए ये बंदा अपना बैग वैग सब उसमें ही है। ही इज रेडी टू फ्लाई, ही इज रेडी टू फ्लाई। ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये और बैग में अपने पैर भर लिए उसने। अंशिका वहाँ पे देखो, तुम डायरेक्ट ऐसे हिलाओ मत कैमरा बेटा। ये स्टैनविल पार्क का ये जो बीच एरिया है, और वहाँ जो ऊपर इस तरफ पैराग्लाइडिंग होती है पेड़ के पीछे, वो पैराग्लाइडिंग वाले बंदे यहीं आके लैंड करते हैं। ये जो बीच है हमारे पीछे इसमें लैंड करते हैं। अंशिका बेटी वो देखो खेल रही है,
और बहुत अच्छी धूप हो गई है। हेलो, या गुड, थैंक यू, हाउ आर यू? मे आई नो योर नेम फर्स्ट? या माय नेम इज रिक। रिक, हाय रिक, सो यू बिलोंग ऑस्ट्रेलिया, सिडनी और समवेयर एल्स? ओह या, आई एम अ लोकल रेजिडेंट। Oh, so you are from Stanville. Oh, that's a great, it's a beautiful place. Always I admire to be here. So how long you are applying? Englaris? Yeah, Englaris. Oh, for probably 25 years maybe. 25 years? Yeah. Are there any other spots where people can go and do the gliding? Yeah. There's quite a few in Australia. Down in Port Kembla. Mount Blackie, okay. Blue Mountain. Ah, yeah, I know Blue Mountain. Okay, so in Blue Mountain also people do. Okay. There are hundreds of coastal sites. Okay. Between Melbourne and Brisbane. Uh-huh, uh-huh. And so there are plenty of spots. Yeah. Okay. So how often go for this gliding? I'm pretty lazy. I like to stay here, you know. Oh, yeah. This one is yours? This second one. Yep. All right. So how much we have to pay if somebody wants to buy? That one's brand new, 16,000. 16,000. Wow, yes. It's quite expensive. And what about second hand? Second hand, the same one, maybe 6,000. 6,000. Yeah. All right. The hand glider. Uh-huh. And the paraglider is that round shape. It's shaped like this. Uh-huh. With all the strings. Oh yes. Yeah, so that is a paragliding. Yes. And this is a hand gliding. Yes. Oh, that's great. So you can do that also, or just this one? No, just hang gliding. Okay. So when you did the training? Oh, long time ago. Now, okay, yeah, because since last 25 years. Years. What do you think? Which one is more easy, this or that? Easier to paraglide. Paragliding is more easier? Just the nature of learning. Mm-hmm. The hang glider is a little bit more complicated. Uh-huh. Yeah. All right. The paraglider is quicker to learn. Uh-huh. And it's cheaper to buy. A new paraglider may be 5,000, 6,000. Oh, so quite cheaper. Yes. But they, that's one of the advantages, but one of the disadvantages is that it doesn't have a rigid airfoil. Yes. A rigid airframe. Mm-hmm. Yeah, so sometimes it collapses. With the hang glider, it's when you set it up, it's rigid. It's quite stable. It's like fully framed. It's fully framed. So the frame supports how to fly and how to land, especially landing. Because I have seen many people were landing here, like last time when I came here a year back. Yeah. But today people are not landing here. So where they are landing today? Today maybe on top. You can land back on top of the hill. Landing is also possible on top. Yeah, here or they can soar around, stay up, and then when they get tired. Right. So generally, how long it take time to learn it? To learn, different people take different times. Of course, but any stand or something? Maybe if you had very good conditions for 1 month, and you had reasonable coordination and learning skills, you can maybe learn in a month. You know? In a month. Yeah. Otherwise, 2 months or 3 months it can take. Yeah, and it also... Sometimes in a month you only get 2 flyable days where the conditions are because good. Of weather. Yeah, the wind has to be good. Yes. That I understand, that without wind it's not possible to fly. Yeah. In winter or in summer, which weather is more comfortable and favorable to... Right now, through to April, May is the best period. It's the best period. Yeah. And what about winter? Winter, it's okay, but the wind is stronger. Yes. And the wind direction is not as good. That direction blows in the summertime. Summertime. In wintertime, it's a southerly wind. Oh, from a different direction, but the direction is not as good. Oh, that's great. Yeah. So it was really nice talking to you and meeting to you. Thank you very much. Yeah, no worries, man. And you gave lots of information.